चुनाव देखे तो चुनाव के बाद के अलायंस की भी बात आती है, लेकिन ये भी देखते हैं सर विधायक खरीद फरोख्त की भी काम चलाई जाती है तमाम राजनीतिक, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। नहीं, तो इन सब चीजों को क्या मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूँ। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे जी? क्यों, पैसा तो एक ही है ना, आपको क्यों लगता कि हम बिकाऊ वो भी बिकाऊ? ये आप अज्यूम करके चलते हैं कि हम सब बिकाऊ, तो मैं सोच रहा हूँ कि महल का एक पोर्शन को बेचकर मैं बीजेपी का विधायक खरीद लूँ या कांग्रेस का। ये हमेशा हमारे ऊपर क्यों सवाल पूछा जाता है कि हम बिकेंगे, वो भी बिकते हैं। तो ये बात हमें इन्फीरियर दिखाता है कि ट्राइबल्स लोग बिकेंगे और जनरल एरियाज के लोग नहीं बिकेंगे। तो क्या जो महाराष्ट्र में जो बिके थे वो क्या जनजाति थे? जो कर्नाटका में बिके थे वो जनजाति थे? जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो गए महाराज के साथ ग्वालियर में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी, वो क्या जनजाति थे? क्या सिर्फ जनजाति बिकता है, दूसरे देश में दूसरे राज्य में कोई नहीं बिकता है? तो ठीक है, आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि पब्लिक डंडा मारेगी अगर कोई बेचता है अपने आप को विदाउट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल।